दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के अमरनाथ धाम के बारे में आज आपको एक ऐसी सच्ची और रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ऐसे तो हजारों लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि लोग चकित रह गए। इस घटना को जानने से पहले आइए जानते हैं उस रहस्य को जो जुड़ा हुआ है भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती से। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, इस गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक गरेड़िए ने की थी। उसे इसी जगह पे एक साधु तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। उसने जब खाने को कुछ मांगा तो गरेड़िए ने उसे खाने को दिया। उसके बदले उसने कुछ कोयले के टुकड़े उस गरेड़िए को दिए। जब वो गरेड़िया घर पहुंचा तो ये कोयले के टुकड़े सोने के सिक्के में तब्दील हो गए। गरेड़िया वापस दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर आया जहाँ साधु था, लेकिन वहाँ साधु नहीं मिला। साधु के बदले गुफा दिखी और गुफा के अंदर शिवलिंग। तभी से इस गुफा में शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पे भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। जहाँ पर उन्होंने नंदी बैल को छोड़ा वो बेलगांव यानी पहलगांव कहलाया। चंदनवाड़ी में उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा और शेषनाग झील के पास अपने शेषनाग का त्याग किया। गणेश जी को जहाँ पर उन्होंने रुकने को कहा वो गणेश टॉप कहलाया। जहाँ पे उन्होंने अपने पंच तत्वों का त्याग किया वह पंचतरणी कहलाई। और फिर आया अमरनाथ गुफा। यहीं पे माता पार्वती को उन्होंने अमर कथा सुनाई थी। लेकिन जब वो अमर कथा सुना रहे थे तब एक कबूतर का जोड़ा वहाँ आ गया और उसने भी अमर कथा सुन ली। तभी से ये कबूतर के जोड़े अमर हो गए और कहा जाता है कि कभी कभी ये इस गुफा के पास दिख जाते हैं। साल 2015 में भी अमरनाथ यात्रियों का जत्था निकल पड़ा था यात्रा पर। उन्हीं के बीच एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वह इस यात्रा में इसलिए जा रहा था कि उसके माता पिता ने ये मन्नत मांगी थी कि जब उनके बेटे की नौकरी हो जाएगी तो उनका बेटा अमरनाथ यात्रा पर जाएगा। और वो लड़का अपने माता पिता की आज्ञा मानकर अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़ा। जब कैंप में वो था तो बहुत तेज बर्फबारी होने लगी और उसकी तबीयत खराब होने लगी। जब डॉक्टरों ने देखा तो सलाह दी कि वो आगे ना बढ़े। दूसरे दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने फैसला लिया कि नहीं, मैं आगे जाऊंगा और अमरनाथ बाबा के दर्शन करूंगा। दूसरे दिन वो अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है और आगे की तरफ निकलने लगता है। यात्रा करते वक्त उसे बहुत से ऐसे ख्याल आ रहे थे जैसे वो अपनी जीवन की आखिरी यात्रा पर है, यानी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन उसने अपने दिल की नहीं, दिमाग की सुनी और वो आगे बढ़ता ही गया, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था कि मुझे किसी भी तरह से अमरनाथ गुफा तक पहुंचना है और अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार भोले बाबा के दर्शन करना है। वह आगे बढ़ता रहा और उसने किसी को भी ये नहीं बताया कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो आगे बढ़ने के लायक नहीं है। उसे बस यही था कि मैं किसी तरह गुफा तक पहुंच जाऊं और अपने माता पिता की मांगी हुई मन्नत पूरी कर दूं, उनके जो भी आज्ञा थे उसको पूरा कर ही लौटूं। लेकिन बार बार उसे ऐसा ख्याल आ रहा था जैसे उसका जीवन अब ज्यादा समय नहीं बचा है और कुछ अनहोनी उसके साथ होने वाली है। फिर भी वो आगे बढ़ता गया। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। गुफा पहुंचने के थोड़ी देर पहले ही उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। इसकी पुष्टि डॉक्टरों ने जांच के दौरान की थी। उसे जब उसकी बॉडी को वापसी लाया जाता है और उसकी बॉडी को पहलगांव लाया जाता है और उसके माता पिता वहां पहुंचते हैं, डॉक्टरों ने उसकी बॉडी का फिर से चेकअप किया तो वहां वो जीवित पाया गया। उसने बताया कि वो बेहोशी की हालत में था और उसने देखा कि वह एक गुफा के अंदर से कहीं जा रहा है। वह गुफा काफी लंबी थी और उसे बहुत बेचैनी हो रही थी उस गुफा के अंदर, क्योंकि वो रास्ता काफी सकरा था। जब वो आखिरी छोर पर पहुंचा तो उसे दो कबूतर दिखाई दिए जो कि अक्सर अमरनाथ गुफा के आसपास और लोगों ने भी देखे हैं। उसने बताया कि उसने गुफा के पास कुछ संत महापुरुषों को आपस में कुछ बातें करते हुए सुना और तभी एक बुजुर्ग सिद्ध महापुरुष उसका हाथ पकड़ते हैं
और उसे गुफा से बाहर आने में मदद करते हैं और गुफा के बाहर ले आते हैं, तभी उसे होश आ जाता है। ये घटना आग की तरह लोगों में फैल गई। लोग मानने लगे कि ये भगवान शंकर का ही चमत्कार है कि उस लड़के की दृढ़ निष्ठा के चलते उसे भगवान के दर्शन भी हुए और भगवान ने उसके प्राण भी लौटा दिए।